मकर संक्रांति के दिन स्नान दान जप तप का प्रभाव ज़्यादा होता है। इस दिन किए गए सत्कर्म विशेष प्रभावशाली होते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से 10,000 गोदान करने का फल मिलता है, परंतु जो इस दिन प्रातःकाल स्नान नहीं करते वे 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहते हैं। इस दिन सूर्य नारायण का मानसिक रूप से ध्यान करके मन ही मन उनसे आयु आरोग्य के लिए की गई प्रार्थना विशेष प्रभावशाली होती है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग जो करता है वह इस लोक और परलोक में वांछित फल को पाता है। पानी में तिल डाल के स्नान करना, तिलों का उपटन लगाना, तिल डालकर पितरों का तर्पण करना, अग्नि में तिल डालकर यज्ञादि करना, तिलों का दान करना और तिल खाना। जिनको आर्थिक रूप से काफ़ी कष्ट हो अथवा जिन्हें कोई असाध्य बीमारी हो जो दवा से भी सही न होती हो, उन्हें पिछले वीडियो में बताए गए नियमों को पूर्ववत कल के दिन भी दोहराना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछले वीडियो में बताए गए 12 मंत्रों के द्वारा अथवा ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, इन मंत्रों को पढ़ते हुए तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते हुए जो जल धरती पर गिरे उसकी मिट्टी का तिलक लगाएं तथा लोटे में 6 घूंट बचाकर रखे हुए जल को महामृत्युंजय मंत्र का जप करके पिएं तो आरोग्य की खूब रक्षा होती है। जल को पीने से पहले इन मंत्रों का उच्चारण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थ जठरे धार्याम्यहम। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।